मैं ऊपर आ चुका हूँ और बारिश हो रही है तेज़, शायद आपको मैं दिखा सकूँ यहाँ से। वेदर बहुत मतलब आज ख़राब हो रहा है। हमारी टेरेस पे रात के टाइम थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है, तो शायद आपको जो है नज़र थोड़ा बहुत कम इसमें आएगा वीडियो में। बट मैं इनको देखने आया था कि अभी क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा कि इनको खोलूँ या नहीं खोलूँ, क्योंकि ये टाइम का खोलने का और खाने का होता है। मैं इनका बाजरा भी मैं इनका ले आया था कि चलो इनको मैं फीड इनकी दे दूँगा। चलो मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर अपना खा लेंगे आराम से, फिर बंद कर दूँगा इनको, थोड़ा सा इन्जॉय कर लेंगे अपना ये। और बारिश दोस्तों अचानक हो चुकी है और वेदर इस टाइम पे ना मतलब फुल ठंडा हो चुका है। मैंने अभी कुछ पहना तो नहीं है, मगर भी मैं सोच रहा हूँ उनको फटाफट खोल के मैं नीचे रह जाऊँ और जाकर कुछ ना कुछ पहनूँ, क्योंकि ठंड हो चुकी है, सर्दी हो चुकी है इस टाइम पर। मगर फुल मज़े वाला मौसम हो गया, इन्जॉय वाला मौसम हो गया। तो सबसे पहले हम इनको खोल लेते हैं और इनको खोल के इनको इनकी फीड दे देते हैं। पानी तो इनको नहीं देंगे क्योंकि ठंड हो चुकी है, तो इसलिए इनको आज पानी नहीं देंगे। अभी इस टाइम पे रात के टाइम पानी नहीं देंगे और इनको सिर्फ फीड देंगे, और फीड दे के बस फिर थोड़ी देर अपना घूमेंगे फिरेंगे, अपना बारिश में एंजॉय करेंगे और फिर हम इनको बंद कर देंगे एक डेढ़ घंटे बाद। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी से इनको फीड दे देता हूँ। तो मैं इनकी फीड निकालता हूँ, 5 मुट्ठी मैं इनको देता हूँ। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इनको मैंने फीड इनकी दे दी है, एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि आराम से पेट भर के ये लोग खा लें, ठीक है। और अपने डक्स को मैं इसमें दे देता हूँ, क्योंकि डक्स वगैरह वहाँ से नहीं खाती हैं, वो इस बकेट के अंदर खाती हैं, तो इनको इसमें दे देता हूँ और ये आराम से इसमें खाएंगी बैठ के। तो दोस्तों मैंने अपने बर्ड्स को सबको खोल दिया है और इनको मैं अभी फीड नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी फीड इनके पास है अपनी और है मौजूद है। और इसके अलावा इसमें जो है पानी भी है इसके अंदर, मगर पानी में चेंज नहीं करूंगा और ना मैं निकालूंगा, तो यही पानी जो है इसके साथ चलेगा। और अभी मैं आपको शायद दिखा सकूँ बारिश का कि बारिश कैसी हो रही है। मैं इस टाइम बाहर आ गया हूँ और जब इस तरीके से सारे मिलके बर्ड जो है खाना खाते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। कभी कभी देखने को मिलता है इस तरीके से, मतलब जब भी मैं इनको फीड देता हूँ, वैसे तो दिन के टाइम आपको पता है मैं केज के अंदर देता हूँ, मगर इस तरीके से इनको जब मैं फीड देता हूँ और ये सारे मिलके खाना खाते हैं ना, जैसे डग्स और हमारे ये वाले बर्ड पिजन्स जो हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है कि यार ये रिलैक्स हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बारिश ऐसा ऐसा तेज़ होती जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको जल्द से जल्द जो है अपना फीड वगैरह देके और मैं इनको जल्द से जल्द बंद करूँ। तो आप लोग देख सकते हो वेदर जो है ना, वो बहुत मज़े वाला हो चुका है, बहुत एंजॉयमेंट वाला हो चुका है, बहुत ठंडा हो चुका है। तो मुझे तो खैर ये वेदर बहुत पसंद है। मैं आप लोग को शायद और क्लियर तरीके से दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये आपको जो बारिश नज़र आ रही होगी कैमरे में, तो वेदर जो है ना वो बहुत मज़े वाला हो चुका है। और मेरे को तो वैसे ही ये बारिश वगैरह बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस बारिश में। और अभी जाता हूँ क्योंकि ठंड हो चुकी है, तो नीचे जाता हूँ और कुछ पहन के आता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं अपने अपर पहन के मैं ऊपर आ चुका हूँ और सर्दी वाकई में हो गई है। और आप लोगों ने बादल की आवाज़ वगैरह भी सुनी कि बादल भी गरज रहे हैं इस टाइम पे और मौसम बहुत मज़े का हो चुका है। तो मैं अभी आप लोगों से मैं इन लोगों को भी देख लेता हूँ और देखने के बाद बारिश देखें थोड़ी सी और तेज़ हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें बारिश अभी और तेज़ हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये कम होगी, क्योंकि बारिश लगातार चले जा रही है काफ़ी देर से। तो ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल इनको बंद करते हैं
इन्होंने अपना खाना पीना वगैरह कर लिया है। देखें सारा बाजरा इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, तो इन्होंने अपना फीड वगैरह खा ली है, एंजॉय कर लिया है इन्होंने तकरीबन सारा। इन्होंने अपनी खाना पीना सबका हो चुका है, पानी इसके अंदर मौजूद था, और पानी मैंने ख़ुद भी इनको नहीं दिया था क्योंकि ये देखें आपने देखा कैसी बिजली कड़की है। ओ साउंड सुने, साउंड सुने, साउंड सुन रहे हैं आप, इस तरह का साउंड चल रहा है। तो अभी दोस्तों मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ इनको बंद करने के लिए, और इन सब ने अपना खाना पीना कर लिया है, तकरीबन सब ने खा लिया अपना खाना वगैरह, और अभी मैं जा रहा हूँ इनसे, बारिश तेज़ हो रही है, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं ऊपर आ चुका हूँ, और हमारी छत जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो बारिश की वजह से बिल्कुल छत पूरी साफ़ हो चुकी है, अच्छे तरीके से पूरी छत धुल गई है हमारी, और हमारे पिजन भी सेफ हैं। मैंने इनको ये वाला ये पहना दिया था इनके केज के ऊपर, और पिजन भी हमारे सेफ हैं सारे, सब ठीक है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हो सब के सब ठीक है। तो और हमारी डक्स ये रही, हमने इनको यहाँ बंद कर दिया था, यहाँ पर बंद कर दिया था, ये इनका मैंने डोर अभी ओपन किया है थोड़ी देर पहले, तो ये यहाँ भी सेफ़ हैं, और तकरीबन सारे बर्ड जो हैं जितने भी हैं वो सेफ हैं सारे। और रात उन्होंने बहुत अच्छी गुजारी होगी क्योंकि इनको मैंने अच्छे तरीके से कवर कर दिया था, ये दिख रहे हैं आप, ये वाले कपड़े भी मैंने इनके ऊपर डाल दिए थे, ये मैंने ये भी डाल दिया था तिरपाल, ये भी इनके ऊपर डाल दिया था, तो अच्छे से इनको मैंने कवर कर दिया ताकि इनको कोई परेशानी ना हो, ठंड ना लगे और बारिश का पानी अंदर ना आए। तो अभी तो दोस्तों धूप निकल चुकी है, अभी तो देखें धूप निकल चुकी है और बादल वगैरह चले गए हैं इस टाइम पे, मगर ये है कि हल्की हल्की सी गर्मी है बारिश के बाद, और मतलब थोड़ी सी गर्मी रह गई है, अब इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वो भी चली जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।